Let's start our another lecture. This is Sohail Askar, faculty member of Business Administration, University Campus, Meerut Khas. Our today's we are going to discuss another lecture of oral communication. Now we are going to step six, writing the thesis statement. This is also one of the important step of speech design process. Some of author are saying this is called a central idea, and some of call this is like a thesis statement, but it's totally quite different from the thesis statement. Like we are mentioning our in the thesis IR, or we are mentioning our in the English literature. So this is quite different from this, kyunki yahan pe hum oral communication ki baat kar rahe hain aur wahan pe written communication hoti hai. To written aur oral communication ki jo nature hai wo different hoti hai. To aap is थीसिस स्टेटमेंट को या सेंट्रल आइडिया को थोड़ा डिफरेंट करके लिखेंगे, ना कि उस तरीके से लिखेंगे. वो हम आगे जाके इसमें आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखने होते हैं. ओके बेटा, सम एक चीज आप ध्यान में ये रख दें कि आपके जो सेंट्रल आइडिया है वो आपके जो पर्पज स्टेटमेंट जो हम फिफ्थ स्टेटमेंट करके आए उससे अलग ना हो, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो पर्पस स्टेटमेंट एंड सेंट्रल आइडिया स्टेटमेंट. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. जो पर्पस स्टेटमेंट में होता है आप जस्ट पर्पस लिखते हो, और जो सेंट्रल आइडिया होता है आप इसमें डिफरेंट स्टेप्स लिखते हो, या आप यूं कह लें कि उसके मेन पॉइंट्स लिखते हो. सेंट्रल आइडिया में आपके जो होते हैं वो मेन पॉइंट्स होते हैं, और जो आपके पर्पज स्टेटमेंट होती है वहां पे जस्ट पर्पज होता है. अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि टू डेमोंस्ट्रेट माय ऑडियंस द करेक्ट मेथड फॉर क्लीनिंग अ कंप्यूटर कीबोर्ड, अब ये एक पर्पज स्टेटमेंट है कि मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ कि कंप्यूटर कीबोर्ड कैसे क्लीन होता है, एक पर्पज है. लेकिन अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि योर कंप्यूटर की बोर्ड नीड्स टू रेगुलर क्लीनिंग टू फंक्शन वेल एंड यू कैन अचीव That in your four steps, ठीक है. अब ये क्या होगा कि वहां पे आपने एक पर्पस बताया कि मैं डेमोस्ट्रेट दे रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ कि कंप्यूटर क्लीनिंग कैसे होगा, कीबोर्ड कैसे क्लीन होगा. लेकिन यहाँ बता रहे हैं आप कि मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ कि कंप्यूटर कीबोर्ड को हम चार स्टेप्स में क्लीन करते हैं. तो यहाँ पे आप स्टेप्स बयान करते हो, ठीक है. तो ये आप थोड़ा जो है ना डिफरेंस समझ लें. और उसके बाद अगर मैं आपको अगर ले सपोज कहूँ कि आई विल इन्फॉर्म माई ऑडियंस अबाउट दी टू मेजर फॉर्म ऑफ आप यूं कह ले के टू मेजर फॉर्म ऑफ दी कम्युनिकेशन. ये ले सपोज हम कहते हैं कि टू मेजर फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन. अब ये मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ कि मेजर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कौन से, ये मेरा पर्पज है. लेकिन उनको डिफाइन करने के लिए मैं अलग अलग स्टेप्स अलग अलग मेन पॉइंट्स को बताऊंगा कि ये मेन पॉइंट है. ले सपोज उसके जो ओरल कम्युनिकेशन है, ले सपोज उसकी जो है रिटन कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. तो ले सपोज मैं ये चीजें बता रहा हूँ, तो मैं उनको अलग अलग डिफरेंट मतलब मेन पॉइंट्स बताऊंगा, ओरल बताऊंगा, रिटन बताऊंगा, ठीक है, नॉन वर्बल बताऊंगा. तो ये चीजें डिफाइन होती हैं. तो सेंट्रल आइडिया को समझ लें कि उसकी मेन पॉइंट्स होती हैं, जो पर्पस स्टेटमेंट होता है उसका जस्ट एक पर्पस होता है, ठीक है. तो यहाँ तक क्लियर है, कोई यहाँ तक कोई किसी को सवाल है तो आप वो नोट कर लें, मैं लास्ट में वो आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो मटेरियल है वो रिलेटेड हो. ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपका सेंट्रल आइडिया में मटीरियल रिलेटेड ना हो, तो आपका जो स्पीच का जो पर्पज है या स्पीच जिस पर्पज के लिए आप देना दे रहे हो, तो वो आप उस चीज से हट जाओगे, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट स्टेप है, व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑडियंस एनालिसिस. अब यहाँ पे हमें एक एक चीज देखनी होती है. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज देखी थी कि जो ऑडियंस एनालिसिस किया था हमने, कि यहाँ पे हमने एक एक स्टेप पे जो है वो ऑडियंस को एनालाइज करते हैं. जो भी आपके स्पीच डिजाइन प्रोसेस के जो भी स्टेप हैं वहां पे खास ख्याल रखा जाता है अपनी ऑडियंस का. बेसिकली ऑडियंस जो होता है आपको पता है कि स्पीकिंग जैसे इसमें ये बता रहा है कि स्पीकिंग इज अ रिसीवर ओरिएंटेड फेनोमेना, क्योंकि आप जो बोलते हो वो अगला रिसीवर होता है, वो सुनता है आपका,
ठीक है, जो आप स्पीक कर रहे हो तो अगला सुनता है, तो आप जो सुनने वाला है वो आपकी ऑडियंस है, तो आप उसके उसको अच्छी तरीके से समझ उसको अच्छी तरीके से समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसको सही तरीके से समझा नहीं, सही तरीके से उसको एनालाइज नहीं किया, तो आपकी जो स्पीच है वो बिखर जाएगी। आप जो चीजें बताना चाह रहे हो वो ऑडियंस आपका सुनना पसंद नहीं करेगी। इसलिए ऑडियंस एनालिसिस इज अ वेरी इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर स्पीच, फॉर अवर प्रेजेंटेशन एंड टू फॉर मेकिंग अ वेरी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे इन्होंने इसने ऑडियंस को दो हिस्सों में कंसीडर कर रहा है। द पहला हिस्से में क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल एंड सेकंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल में हम मोस्टली डेमोग्राफिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक एनालिसिस में आपका क्या आता है, आपका एज आता है, आपका जेंडर आता है, इसमें आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आते हैं, इसमें आपके एजुकेशन लेवल आती है, इसमें आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी ऑडियंस ऑडियंस की आपकी आपको देखनी पड़ेगी। जब भी आपकी डेमोग्राफिक एनालिसिस होगी, आप अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें आपको आपको ऑडियंस की एज देखनी पड़ेगी, आप ऑडियंस का जेंडर देखना पड़ेगा, आप ऑडियंस की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखनी पड़ेगी, आपकी ऑडियंस की एजुकेशनल लेवल देखनी पड़ेगी, और उसके साथ आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑडियंस का देखना पड़ेगा कि जिसको मैं जिसके सामने मैं स्पीच करना जा रहा हूँ, जो मेरी ऑडियंस है उसकी लेवल क्या है। अगर ऐसा तो नहीं है, अब मोस्ट ऑफ पीपल स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमारी ऑडियंस होती है जैसे सपोज पीएचडी डॉक्टर से, और उनकी साल में 25-30 लाख लेख सपोज उसकी इनकम है, तो हम कहेंगे यार ये तो पीएचडी है, हमसे बेहतर नॉलेज है इसके पास, और जो है साल में उसकी इतनी इनकम है, साल में उसकी इतनी इनकम है, तो हम वहां पे जो होंगे लिटिल बिल कंफ्यूज होंगे, या लिटिल बिल यूज कर लें आपके थोड़ा बहुत डिप्रेस में आ जाएंगे कि ऑडियंस की लेवल ये है। तो मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि आप जो लिस ऑडियंस चाहे कोई भी हो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक, आपके टॉपिक क्या है। जैसे हम करके आए कि आपको ऐसी कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं करनी है जो ऑडियंस को ऑलरेडी पता है। जब हम ये चीज देख रहे हैं कि हम ऑडियंस के लिए नई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, नई चीज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैटर नहीं करेगा कि ऑडियंस की लेवल, डेफिनेटली उनकी एक अपनी लेवल है, लेकिन आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, या ना कि आप उसके उसे डर से जो है ना अपना जो कॉन्फिडेंस है वो जो है लूज कर लें। तो ये आप समझिए कि ऑडियंस कोई भी हो डज नॉट मैटर, लेकिन आपको ये देखना है कि ऑडियंस वो आपसे ये सुनना चाह रही है कि हमारे लिए नई चीज क्या है, ना कि ये सुनना चाह रही है कि जो हमें चीजें पता है, हम बैठे हैं इसलिए जो चीज हमें पता है, वो बैठते हैं इसलिए कि कोई नई चीज निकल आए हमारे लिए, ठीक है बेटा। और फर्दर जो ऑडियंस एनालिसिस करते हैं उसके सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम जिसकी बुनियाद पे ऑडियंस को एनालाइज करते हैं। द फर्स्ट इज हाउ फेमिलियर इज द ऑडियंस विद द टॉपिक, सेकंड है हाउ इंटरेस्टेड इज द ऑडियंस इन द टॉपिक, थर्ड है व्हाई इज द ऑडियंस देयर, फोर्थ है हाउ मच एक्सपीरियंस डज द ऑडियंस हैव विद द टॉपिक। फर्दर जैसे ये चार चीजें थी कि इस चारों चीजों को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि ऑडियंस क्यों, क्या वाकई ऑडियंस उस टॉपिक से फेमिलर है तो कितनी है, हाउ इंटरेस्टेड इज द ऑडियंस इन द टॉपिक, एंड थर्ड इज द व्हाई द ऑडियंस इज देयर, ऑडियंस वहां पे है क्यों, और हाउ मच एक्सपीरियंस इज द ऑडियंस विद द टॉपिक। आई थिंक वी है वी शुड ऑल दीस पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल द ऑडियंस एनालिसिस, सो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट मोस्ट ऑफ टाइम ऑन दिस थिंग। ओके फर्दर दूसरा जो ऑडियंस एनालिसिस थी उसमें हमने ये जो कह रहा है कि वो कैरेक्टर्स का फिजिकल सेटिंग, ठीक है, फिजिकल सेटिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है, जहाँ पे आपको एनवायरमेंटल, ठीक है, उस रूम का एनवायरमेंट कैसा है जहाँ पे आप स्पीच कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ ये कह रहा है कि यू नीड टू नो वेयर द ऑडियंस इज सिटेड इन द रिलेशन टू योर स्पीकिंग, ऑडियंस
किस जगह पे बैठी है, ठीक है, किसके बुनियाद पे आप जहाँ पे स्पीक कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है लेट्स सपोज आप एक जगह पे बैठे हो, ऑडियंस कहीं किसी और ही जगह पे बैठी है, तो इट्स वेरी जो है ना अनरिलेटेड टू योर स्पीच, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर सिटिंग इन द क्लासरूम इन द एरिया वेयर वेयर यू आर गोइंग टू स्पीक, ठीक है। उसके बाद आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विथ योर ऑडियंस, विदाउट आई कॉन्टेक्ट यू विल बी यू लूज योर कॉन्फिडेंस लेवल। सो आप आई कॉन्टेक्ट के लिए आपको ये कहूंगा कि काइंडली जब भी आप स्पीच देना चाह रहे हो, जब भी आपकी प्रेजेंटेशन है, आप कम से कम उसको 5 से 10 बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आपकी ये प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी, इनिशियली आपकी ये प्रैक्टिस जब आप जो न्यू है जो इनिशियली ये चीज है करने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ी बहुत जो है ना कॉन्फिडेंस की लेवल पे थोड़ी बहुत परेशानी होगी। जब उसकी ये मुसलसल प्रैक्टिस रहेगी तो आगे जाके बड़ी लेवल पे वो कहीं पे भी अटकेगा नहीं। ओके बेटा, तो ये दो चीजें थी जो हम ऑडियंस पे की बुनियाद ऑडियंस को एनालिसिस करते हैं। पहला था क्या कैरेक्टर्स का पीपल, जिसमें हमने डेमोग्राफिक लेवल पे हमने देख रहे होते हैं पीपल्स को। दूसरा होता है आपका कैरेक्टर्स का सिचुएशन, सिचुएशन से मुराद है फिजिकल सेटिंग, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें आपकी देखनी होती है।